नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आप सबको मंगल मैत्री, मंगल कामनाएं। आज आपके लिए और एक नई जानकारी लेके आया हूँ। क्या आप जानते हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके नाम से भी भारत के बाहर एक संग्रहालय हो सकता है? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके नाम से भारत के बाहर एक संग्रहालय है, और वह संग्रहालय कहीं और नहीं तो वह संग्रहालय इंग्लैंड देश में है। जब आप भारत से इंग्लैंड आते हो तो हीथ्रो एयरपोर्ट अथवा बर्मिंगम एयरपोर्ट, इन दोनों में से किसी एक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वॉल्वरहैम्पटन इस शहर के लिए आप जाइए। इस वॉल्वरहैम्पटन शहर में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमिटी का बुद्ध विहार भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है। लंदन से वॉल्वरहैम्पटन 127 माइल है, बर्मिंगम से वॉल्वरहैम्पटन 20 माइल के करीब करीब है। लंदन से ट्रेन भी आती है, बस भी आती है, और कार से भी आप आ सकते हो। बर्मिंगम से भी ट्रेन आती है, बस आती है, और आप कार से भी आ सकते हो। तो आइए जानते हैं इस संग्रहालय के बारे में। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं, ये संग्रहालय बाबा साहब के नाम से है, और इस संग्रहालय में करीब करीब बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई 85 वस्तुएं है जिन्होंने बाबा साहब ने अपने जीवन में इस्तेमाल किया था। और ये 85 वस्तुएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके पर्सनल सेक्रेटरी नानकचंद रत्तू द्वारा इंडिया से इंग्लैंड में भेजी गई। इस संग्रहालय में काफी सारी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका चश्मा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहचान पत्र, उनके कुछ अप्रकाशित किताबें, नानकचंद रत्तू की अस्थियां भी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके जीवन में बुजुर्ग अवस्था में जब वो एक छड़ी का इस्तेमाल करते थे, छड़ी के सहारे चलते थे, वो छड़ी भी आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलती है। जिस लालटेन के सहारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की, वो लालटेन भी आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलता है। कुछ उनके खाने पीने की वस्तुएं जो वो यूज करते थे, प्लेट, चम्मच इत्यादि। ये संग्रहालय देखने के बाद लगता है कि वाकई में बाबा साहब, जिन्होंने भारत के शोषित पीड़ित समाज के लिए जो काम किया, भारत के विकास के लिए जो काम किया, उनकी विद्वत्ता, उनकी ज्ञान का लोहा इंग्लैंड जैसे शहरों में भी अपनाया जाता है। बड़ी गौरवपूर्ण बात है, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने भारत से सात समंदर पार, भारत के बाहर बाबा साहब के नाम से ये संग्रहालय बनाया। और आज इस संग्रहालय को वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित कर दिया गया इंग्लैंड के सरकार द्वारा। देखिए, जानिए, समझिए। अगर आप कभी इंग्लैंड आते हो तो निश्चित तौर से
एक बार इस संग्रहालय को देखना ना भूले। आपको लगेगा जिस तरह से इस संग्रहालय की देखरेख की गई है, अच्छी तरह से इसे सजोड़ के रखा गया है, सारे वस्तुओं की अच्छी देखभाल की जाती है, ये हमारे लिए बड़ी ही गौरवपूर्ण बात है। इस जानकारी के साथ आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और जो जो लोग इंग्लैंड में आना चाहते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से निश्चित तौर पर एक बार वॉल्वरहैम्पटन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी द्वारा बनाए गए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संग्रहालय को निश्चित तौर पर भेज दीजिए। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।